Hello friends, I am Dr. Neeraj Singh and you are watching YouTube channel of Nana Homeocare. Today we are going to talk about what you can do when you have hypothyroidism. जब किसी को hypothyroidism की problem होती है, जिसको कि slow thyroid भी कहा जाता है, this makes you feel exhausted. आप बहुत थकान महसूस करते हैं, everything functions very very slow, you feel exhausted and sluggish. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, देर इज़ वेरी मच, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट. तो उसका इफ़ेक्ट जो है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे आता है. तो व्हाट यू शुड डू, सबसे पहला है, वी विल जस्ट फोकस ऑन फोर थिंग्स. फर्स्ट इज़ फोकस योर मील्स अराउंड वेजीज, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स. टू कीप एनर्जी लेवल स्टेबल, ईट स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे. बहुत एक बार में बहुत लार्ज मील ना लें, एक छोटा मील लें और फ्रीक्वेंटली लेते रहें. सेकेंड इज एक्सरसाइज, वॉक, वेट लिफ्टिंग एंड डू योगा. दिस ऑल बूस्ट एनर्जी, डिक्रीजेस स्ट्रेस एंड देयरफॉर कंट्रोल्स योर थायराइड लेवल्स. लेकिन इन सब का एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए. आपकी एक्सरसाइज रिलैक्सेशन के साथ इक्वल होना चाहिए, सो दैट आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो भी कॉम्बैट हो जाएं. नेक्स्ट इज स्ट्रेस रिलीफ, द थर्ड वन. द स्ट्रेस रिलीफ क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेस का सीधा सीधा इफेक्ट होता है थायराइड मैनेजमेंट में. जो आप स्ट्रेस रिलीफ कैसे कर सकते हैं, दैट कैन रेंज फ्रॉम मेडिटेशन टू मसाज, एनी वे यू लाइक. मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी ऑफन, जिसमें कि एक बहुत ही सिंपल चीज़ है डीप ब्रीदिंग. आप ये डेली कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग तो, और बाकी चीज़ें जो हैं आप वीकली स्केड्यूल करें, जैसा भी चाहें. एंड द लास्ट वन इज गो टू बेड अर्ली. Going to bed early is very very essential to establish your circadian rhythm. Sleeping from 7 to 9 hours is essential. Ek apna sleep ka schedule rakhein, because this all is going to hamper your thyroid levels if you are not managing them properly. So, bas char cheeze karni hai aapko. Focus your meals around proper nutrition, exercise, stress relief and going to bed early. So, keep doing well. Take care.